हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है चेतक एक्सप्रेस के बारे में, जो दिल्ली के सराय रोहिला से उदयपुर सिटी राजस्थान के बीच में चलती है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है चेतक एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है दिल्ली के सराय रोहिला से उदयपुर सिटी राजस्थान के बीच में रोजाना चलती है, हफ्ते के सातों दिन चलती है। चेतक एक्सप्रेस का जो ट्रेन नंबर है वो है 12981। ये 12 घंटे 15 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 23 स्टेशन हैं और दिल्ली से उदयपुर तक ये जो ट्रेन है 674 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। ये सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है। इसकी एवरेज स्पीड जो है वो है 55 किलोमीटर पर आवर और ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन द्वारा जो है ऑपरेट की जाती है। अगर चेतक एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में बात करें तो इसका मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो दिल्ली सराय रोहिला से उदयपुर सिटी तक का बताऊंगा। बाकी आप अपडेटेड किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पे जाके जरूर चेक कर लें। सेकंड एसी का जो किराया है वो है 1460 रुपये, जिसमें GST चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर और सुपरफास्ट चार्ज शामिल होते हैं। थर्ड एसी का जो किराया है वो है 1030 रुपये, इसमें भी रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज, सुपरफास्ट चार्ज और GST चार्ज शामिल होते हैं। इसके अलावा स्लीपर क्लास के जो कोच हैं उसमें 390 रुपये का किराया है। इसमें कोई GST चार्ज नहीं लगता, बस रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर और सुपरफास्ट चार्ज शामिल होता है। दोस्तों ध्यान रहे, ये जो किराया बता रहा हूँ ये दिल्ली सराय रोहिला से उदयपुर सिटी तक का बता रहा हूँ। इसके अलावा इसमें जनरल एंड रिजर्व डिब्बे भी हैं, जिसका किराया जो है 206 रुपये के करीब है। ये जो किराया है अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट जरूर रेफर करें या टिकट काउंटर पर जाके भी कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं चेतक एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं दिल्ली सराय रोहिला से उदयपुर सिटी तक इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। चेतक एक्सप्रेस जो है डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है। दिल्ली सराय रोहिला से ये शाम के 7:35 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और इसके तकरीबन 23 स्टेशन हैं और 674 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा कवर करती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है दिल्ली कैंट में पहुंचती है शाम के 7:50 पे और 7:52 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद चेतक एक्सप्रेस जो है वो हरियाणा के गुड़गांव स्टेशन में पहुंचती है रात के 8:08 पे और 8:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है रेवाड़ी जंक्शन में पहुंचती है रात के 9:05 पे और 9:07 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और 78 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है हरियाणा के आखिरी स्टेशन नरनौल में पहुंचती है रात के 9:50 पे और 9:52 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है डबला स्टेशन में पहुंचती है रात के 10:11 पे और 10:12 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है और 155 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है निम का थाना स्टेशन में पहुंचती है। निम का थाना में ये ट्रेन जो है रात के 10:30 पे पहुंचती है और 10:32 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद चेतक एक्सप्रेस जो है वो कनवत स्टेशन में पहुंचती है रात के 10:50 के करीब और 10:50 पे ही वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है श्री माधोपुर स्टेशन में पहुंचती है रात के 11:04 पे और 11:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है और 216 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है रिंगास जंक्शन में पहुंचती है रात के 11:17 पे और 11:19 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और यहां पर ये ट्रेन जो है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और दिल्ली से यहां तक की जो दूरी है ये 226 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है रिंगास जंक्शन तक। उसके बाद ये ट्रेन जो है रेनवल स्टेशन में पहुंचती है रात के 11:42 पे और 11:43 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है और 258 किलोमीटर की दूरी जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है फुलेरा जंक्शन में पहुंचती है रात के 12:25 पे और 5 मिनट बाद 12:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। फुलेरा जंक्शन में इसका 5 मिनट का स्टॉप है और यहां पर ये ट्रेन जो है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और दिल्ली सराय रोहिला से फुलेरा तक की जो दूरी है ये 293 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है किशनगढ़ में पहुंचती है रात के 1:07 पे और 1:09 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर ये ट्रेन जो है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद चेतक एक्सप्रेस जो है वो अजमेर जंक्शन में रात के 2:05 पे पहुंचती है और 10 मिनट बाद 2:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है।
उसके बाद ये ट्रेन जो है नसीराबाद में पहुंचती है रात के 2:37 पे और 2 मिनट बाद वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर ये ट्रेन जो है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आकर रुकती है और 396 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है विजयनगर में पहुंचती है रात के 3:10 पे और 3:12 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और 438 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है भीलवाड़ा स्टेशन में पहुंचती है 4:10 पे और 4:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये चित्तौड़गढ़ जंक्शन में 5:15 पे पहुंचती है और 20 मिनट बाद 5:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 20 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद चेतक एक्सप्रेस जो है वो कपासन स्टेशन में पहुंचती है 6:05 पे और 6:06 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है फतेहनगर स्टेशन में पहुंचती है 6:24 पे और 6:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मावली जंक्शन में पहुंचती है 6:40 पे और 6:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है और 631 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है राणा प्रताप नगर जो कि इसका सेकंड लास्ट स्टेशन है यहाँ पर ये 7:21 पे पहुंचती है और 2 मिनट बाद 7:23 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। उसके बाद चेतक एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन उदयपुर सिटी राजस्थान में 7:50 पे पहुंचती है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहाँ तक की जो टोटल जर्नी है ये 674 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जो है इंडियन रेल मुसाफिर चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और इसी तरह से इस चैनल को सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।